अस्सलाम वालेकुम, एक तमाम साथ दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा तला का फजल करम सर, आपकी दुआओं से और मोहब्बत से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो वैसे तो कॉलेज मेरा स्टार्ट हो गया, यूनिवर्सिटी समझ रहे हैं, तो स्टार्ट होगी, मैं जा रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, इसलिए टाइम कम मिल रहा है और व्लॉग में बनाने में भी देर होगी मुझे। तो आज असाइनमेंट मैथ की जमा करवानी थी, तो वो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी बनाई है, क्योंकि अभी काफ़ी पड़ी हुई, लेकिन जितनी जमा करवानी है उतनी बन गई है, अल्लाह का शुक्र है भाई, लाख लाख। और बाकी जो है वो मेला लगा हुआ है यहाँ पर, तो मेहमान भी आए लाहौर से, तो मैं चाह तो रहा था कि सुबह से ही बनाऊं, लेकिन बस वो असाइनमेंट की वजह से नहीं बना सका, तो इसलिए मैंने बताया असाइनमेंट का कि आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं बनाई। और अब मैं वो रेडी शेडी हो गया जी, तो वो जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, वो ढोल छोल भी लाहौर से ही आए हैं और बाकी वो बैठे हुए हैं, तो फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है।
कुर्सी। जलाल अली आखा वेख्या आखा मैं दसा की आंदा पैंदा आखा सरकार दस दी आखा तूआं वाली का खरोड़ नहीं टुटदा पिया ते खैबर दरवाजा किवें तोड़े मरब दा ने एक टुकड़ा किवें एक तलवार दर मार दिता आखा फरमाया वो मैं रूहानी ताकत ना करना ये आज मैं जिस्मानी ताकत ना करना अज भी कोई खैबर है तो लै आ अज मैं दरवाजा तोड़ दूं बेशक 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 सरकार ने तलवार फड़ाई خیبر دی نماز چ آپ نے تلوار پڑھائی تا فرماندا میں اللہ اکبر دا حضرت عمر آں مسائے راہ سُتا جی سویرے میرے ہاتھ تلوار آنی میں تے فاتح خیبر ہواں ہاں تے حضرت علی نے پوچھا بھی کدے نے آپ نے بلایا علی کدے اکھیا تو کدے جا کے میں سارے راہ سُتا رہ تو کو کیتی جا سکدی بندہ سو سکدا میری اکھاں درد سی میں سُتا رہ سرکار فرمایا علی اکھاں ہاتھ لا اگر سرکار اکھاں درد آپ نے نوابے دین لایا تیرے حق سے رب نے فتح لکھ دی آپ نے جو تلوار پڑھائی آپ اللہ اکبر کے نعرے مار دے گئے آپ نے تین ماری ہلایا نا تو 40 گز پیچھے جا کے ڈگیا 40 گز 40 دروازہ 40 گز چوڑا تین 20 بندے چاول والے سے چویجا نہیں بال دے مرب دا تمہیں پتہ ہی ہونا 300 دے مقابلے لڑتا 1000 دے مقابلے لڑتا آپ گیا آخیا میرا پتہ ہی آخیا مینوں تیرا نہیں پتا مینوں آدھا پتا تیرا نہیں پتا
आधा पता है। अच्छा तू कौन है? क्या मैं अली? अच्छा तेरी जान को नहीं है क्या? फिर क्यों है मोहम्मद मुस्तफा का कल्याण? वाह वाह सुभान अल्लाह। उन्हें जर्ब मारी, उन्हें आप हमला किया। जो आपने हमला किया तो आपने आख्या मैं हमला कर लगे तेरे ते दस्या पहले एक जर मारी उनके भी दो टुकड़े हो गए, उनके घोड़े के भी दो टुकड़े हो गए। हुजूर फरमांदे ने तमाम उम्मत नकली अबादतां करे अली एक जर उनके तो वादू अली के मुकाम पहुंच को नहीं सके। हुजूर दी अहले बैत नू आज तक पहुंच नहीं सके इस मुकाम की। लकड़ी पर उधर हो जाए वहाँ को वाला पाकिस्तान भी है परेशानी है मुसीबत का तंगस की है बीमारी प्लासी दूसरी वाला पाक लोरी ना जिन्ने भी इस ग्रुप के बंदे आए ने तमाम ये परेशानियां मुसीबत तंगस की है बीमारी प्लासी दूसरी वाला जो भी कोई तमन्ना लेके आया तमाम की तमन्ना पूरी फरमा वाला जिस इस महफिल जेड़े हाजिर बैठे तमाम दे हाल ते खुशी करम और फजल फरमा वाला पाक लोरी दे शौक और ज़ौक दे विच इजाफा फरमा इन दे हाल दे उत्ते करम और फजल फरमा खुशी रहमता तमाम मुरीदों ते नाज़िल फरमा सलात है अजमाई जा रहा मत इफ्तार मेरे पास ले आए इफ्तार मेरे पास ले आए चल ठीक है बात जी आ गया हूँ। ये मुझे मिला वैसे मैं क्या कहते हैं उसे सुन्नी और वहाबी ये जो चक्कर चल रहा है मैं इसमें नहीं पढ़ता। वैसे मैं पीरों को मानता हूँ बिल्कुल जी, क्योंकि वो सैयद आज़ाद है तो उनको ना मैं बिल्कुल मानता हूँ। बाकी जो है आजकल जेली बड़े हुए उनकी तो ज़्यादा बात है, लेकिन जो है पीर जैसे कि बड़े बड़े दरबार शरीफ हैं और उनको मैं मानता हूँ। और बाकी जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मानने में ज़्यादा लोग आगे ज़्यादा निकल जाते हैं, जैसे कि पीरों को ही मतलब उनके पाँव चूमना ये वाला ये जो होता है ये काम जो गलत होता है। तो मेरे ख्याल में इससे परहेज़ करना चाहिए, बाकी जो है वो मानना चाहिए, दिल से मानना चाहिए।